लोकसभा चुनावों से पहले बीएसपी और मायावती को लेकर झूठी खबरें फैलाने वाले अब हो जाएं सावधान। मायावती का रौद्र रूप अब आ गया है सामने। शायद ही इससे पहले आपने मायावती का ऐसा रूप देखा होगा। आपको बता दें कि मायावती अब खुद सामने आकर कांग्रेस, भाजपा और उनके बनाए हुए गठबंधन को खूब खरी खोटी सुना डाली और दोनों गठबंधन की पार्टियों पर कई बड़े आरोप भी लगा डाले। मायावती ने अपने 4 ट्वीट में किसी भी पार्टी और उनके नेताओं को नहीं बख्शा। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्नासीट समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीडिया से अपील है, नो फेक न्यूज़ प्लीज़। साथ ही दूसरे ट्वीट में लिखा कि बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ जोड़ तोड़ से ज़्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारे के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से सन 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा तथा 4 राज्यों में विधानसभा का आम चुनाव लड़ेंगी। मीडिया बार बार भ्रांतियां ना फैलाएं। साथ ही कहा कि वैसे तो बीएसपी से गठबंधन के लिए यहाँ सभी आतुर, किंतु ऐसा न करने पर विपक्षी द्वारा खिसियानी बिल्ली संभा नीचे की तरह भाजपा से मिले भगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाए तो सेक्युलर, ना मिले तो भाजपाई, यह घोर अनुचित तथा अंगूर मिल जाए तो ठीक वरना अंगूर खट्टे हैं की कहावत जैसी है। साथ ही कहा कि इसके अलावा बीएसपी से निकाले जाने पर सहारनपुर में पूर्व विधायक, कांग्रेस व उस पार्टी के शीर्ष नेताओं की प्रशंसा में व्यस्त हैं, जिससे लोगों में यह सवाल स्वाभाविक है कि उन्होंने पहले यह पार्टी छोड़ी क्यों और फिर दूसरी पार्टी में गए ही क्यों। ऐसे लोगों पर जनता कैसे भरोसा करे। मायावती के इन ट्वीट्स पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें।